दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौहान और आप देख रहे हैं चैनल डी। स्थानीय सब्जी मंडी एसोसिएशन ने आज एक बैठक कर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा उन पर थोपे गए कानून का विरोध किया। बाद में उन्होंने मार्केट कमेटी सचिव के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर सब्जी मंडी एसोसिएशन के उप प्रधान महेंद्र सिंह डेलू, कोषाध्यक्ष सुशील कुमार बागड़ी, सचिव कृष्ण सिंह, सलाहकार मोहन सिंह जोशन व सुशील कुमार चलाना, सदस्य रामलाल सेठी, विजय कुमार मंगवाना, राम कुमार, चंदन कुमार अनेजा व ओम प्रकाश मंगवाना सहित अन्य कई व्यापारी बंधु भी उपस्थित थे। सब्जी मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम अनेजा ने बताया कि सब्जी मंडी की सभी फर्में हर हफ्ते के अंत में सरकार को एचआरडीए और मार्केट फीस के तौर पर शुल्क अदा करती है, लेकिन हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड पंचकुला ने गत 1 दिसंबर को एक आदेश पारित करके सब्जी मंडी की सभी छोटी बड़ी फर्मों को यह सालाना मार्केट फीस एक मुश्त अग्रिम जमा करवाने के आदेश दे दिए हैं, जिसके तहत सब्जी मंडी में कार्यरत सभी छोटे बड़े दुकानदारों को 1.5 लाख रुपए मार्केट फीस प्रति वर्ष अग्रिम रूप से भुगतान एक मुश्त करनी होगी। यह नियम सभी फर्मों पर लागू होगा। इसके अलावा यह मार्केट फीस प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ाकर जमा करवाने के भी आदेश दिए गए हैं। इस कानून के लागू होने से छोटे दुकानदारों की कमर टूट जाएगी। उन्होंने बताया कि इस काले कानून के विरोध में सब्जी मंडी के सभी व्यापारी सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि इस काले कानून को तुरंत वापस लिया जाए। अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो सब्जी मंडी के सभी व्यापारी आगामी 15 दिसंबर से इस काले कानून के विरोध में आंदोलन शुरू कर देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज जो सभी सब्जी मंडी के एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं, तो हमने इसका विरोध किया। जो हमारे ऊपर काला कानून थोपा गया सरकार द्वारा, वो हमें मंजूर नहीं है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है भी जो हमारा जो पहले जो चल रहा है उसी को वैसे ही चलने दिया जाए और इसको एक मुश्त ना करके वो इस काले कानून को हटाया जाए और हमें इससे राहत दी जाए। हमें ये मंजूर नहीं है। इसी के बाद हमने सारी मार्केट और एचआरडीएफ 1% जो हमें किया है उसी को लागू किया जाए। मांग क्या है? मांग यही है भी इस काले कानून को बंद किया जाए और हमें एक मुश्त भर नहीं सकते, इसका हमें कड़ा विरोध है। आज सब्जी मंडी एसोसिएशन एलनाबाद एकत्र होकर ये फैसला लिया गया है कि श्रीमान सचिव मुख्यमंत्री के द्वारा हमारे ऊपर एक काला कानून थोप दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो हम मार्केट फीस एचआरडीएफ और मार्केट फीस साला हर हफ्ते के बाद में जमा कराते हैं, वो सरकार अब चाह रही है भी हर हफ्ते जमा ना करवा कर वो एक मुश्त जमा करवाई जाए और हर फर्म का हर साल का एक मुश्त एडवांस अग्रिम जमा करवाई जाए, जिसके अंतर्गत किसी की यदि बिक्री 10 लाख रुपए है, किसी की बिक्री 50,000 है, उससे उसको कोई फर्क नहीं है। उन्होंने एक डाटा बना दिया, एक फिगर बना के हमें दे दिया भी भले ही आपकी बिक्री कितनी हो आपको इतनी फीस भरनी पड़ेगी और उसका हर साल 10% बढ़ा के भरना पड़ेगा, जिसका जो कि संभव नहीं है। अतः हमारी मंडी एसोसिएशन इसका संपूर्ण विरोध करती है और जल्द से जल्द ये जो काला कानून है ये वापस लिया जाए, अन्यथा हम सभी व्यापारीगण 15 तारीख से अनिश्चितकाल हड़ताल पे चले जाएंगे। ये सब्जी मंडी एसोसिएशन की तरफ से आज एलनाबाद में हमारी मीटिंग हुई है, इसमें जो काला कानून है इसको रद्द किया जाए तुरंत और जो पहले जिस तरीके से हमारी पास फीस हम भरते हैं उसी तरीके से हमारे से फीस लिया जाए। कारण ये है कि भी एक सब्जी का भाव एक नहीं रहता। आज जैसे कोई बरसात की मार पड़ जाती है, कभी गोभी का भाव 40 रुपये किलो हो जाता है, वही इसी साल में गोभी 4 रुपये किलो चल रही है, तो उसी का डाटा पिछली साल का और इस साल में बहुत अंतर पड़ जाता है। तो जो कमेटी के आदमी हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनको जो भाव है उसी हिसाब से हमारे से फीस ली जाए और एचआरडीएफ जो है 1% हम भरेंगे और जो दोनों साइड के 2% ले रहे हैं वो आज के बाद में हम नहीं भरेंगे। और हमें जीरो ही चाहिए। हमारे को जीरो चाहिए।